we are doing, we are restoring God's creation. चलो मैं घूम ऊपर ही रखे जाने से ताल देना भी सब लोग का है।
आप साइड में हट जाइए ना सर, सर आप साइड जी। आज के इवेंट के बारे में यही कह सकता हूँ कि सीक्रेट आर्ट स्कूल ने जो कंट्रीब्यूशन किया है लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, वो बहुत ही प्रशंसा, एक बहुत ही गर्व की बात है। और मैं मानता हूँ कि ये सीक्रेट आर्ट स्कूल कल्याण एक एग्जाम्पल बन चुका है बाकी स्कूल्स के लिए कि अगर हम अपना दिल खोलें, हम लोग पैसे दे सकते हैं। एंड आई थिंक दे बीन द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके लिए मैं काफ़ी काम करता हूँ। और 10,000 घर बनाए इन लोगों ने, और इनके बच्चे अभी अगले साल 400 बच्चे स्कूल से जा रहे घर बनाने के लिए और पैसे देने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इन बच्चों की तरह हो, इस स्कूल की तरह हो, सीक्रेट आर्ट स्कूल की तरह, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही टच्ड हूँ कि आज
यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा रिसेप्शन मिला और बच्चों से इतना प्यार मिला और इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक डे। सर जॉन पूरे हिंदुस्तान में आपने कहा करप्शन, आज बच्चों को आपने एक माइंड दिया चेंज ऑफ करप्शन, जी क्या कहेंगे? जी इतना ही, मैंने बच्चों को इतना ही कहा कि तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, एक तो आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, एडुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर आपके पेरेंट्स भी बोले कि इसको रिश्वत दो उसको रिश्वत दो, वो रिश्वत ना दे, क्योंकि इस देश में अभी भी बहुत करप्शन है और करप्शन को निकालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात मैंने कहा कि सब लोग इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, तो हर एक के साथ, हर एक को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना। या आई लाइक कमिंग आउट एंड बीइंग इन स्कूल्स एंड ऑल दैट। पीपल आस्क मी के आप अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाते हो लेकिन बच्चों के पास आप जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, ये करते हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है उससे ज़्यादा, एंड आई रियली एंजॉय द स्पेस, सो आई लाइक कमिंग हियर। वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। या डिशुम्स इट्स फन, मतलब वरुण और मैं सुबह भी मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं, हर रोज मिलते हैं। आई थिंक वी आर डूइंग व्हाट वी कैन। फिल्म बहुत अच्छी बनी है एंड वी होप इट डज वेल, और यंगस्टर्स को पसंद आएगी ये फिल्म। अनिल कपूर जी ने स्टैंड के जैसा आपने स्टैंड किया, उससे बच्चों लोग सबक लेते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका एक एक्टिंग होता है लेकिन बच्चे उसे रियल में करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं स्क्रीन पे उसे तो नकल नहीं कर सकते, लेकिन जो हम असली ज़िंदगी में, जैसे मैं आज यहाँ स्कूल पर आया हूँ, बच्चों के सामने मैं बैठा हूँ, तो बच्चों को ये महसूस होता है कि नहीं, ये तो हमारा आदमी है, हमारी तरह बात करता है, ये नॉर्मल आदमी है और इसके वैल्यूज़ काफ़ी मिडिल क्लास है, जो मेरे वैल्यूज़ है, और उनको अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास घर से, मतलब अभी भी मिडिल क्लास हूँ, मेरे वैल्यूज़ भी बहुत मिडिल क्लास है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत मिडिल क्लास है, तो बच्चों को लगता है कि नहीं, ये हमारे जैसा है, हम इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चों को इतना ही कहूँगा कि अपनी जो वैल्यू सिस्टम से उसे ना खोए, वो बहुत ज़रूरी है। अरे मेरे को पूछना है ना यार।